सावन का महीना अगले माह जुलाई से शुरू हो जाएगा। सावन माह भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय माना जाता है। सावन माह भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए खास माना जाता है। वहीं सावन महीने के नजदीक आते ही मुजफ्फरपुर में विभिन्न संगठनों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में रविवार को महाकाल सेवा दल की ओर से बनारस बैंक चौक स्थित व्याहूत सभा भवन में श्रावणी मेले को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच श्रावणी मेले में कांवरियों की सेवा और उज्जैन के तर्ज पर भव्य शोभा झांकी की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। महाकाल सेवा दल की जो तैयारी है, इस बार 1000 युवा वॉलेंटियर हम लोग बाबा गरीबनाथ के नगरी में सेवा देंगे महाकाल सेवा दल के द्वारा, जिसमें 125 महिला रहेगी, बाकी जेंट्स हैं। और 9 जुलाई को सावन के प्रथम रविवार को हम लोग भव्य शाही पालकी शोभा यात्रा उज्जैन के तर्ज पे यहाँ निकालेंगे, और उसके बाद दूसरी को हम लोग शिविर लगाएंगे, और लास्ट में छठी और सातवीं और आठवीं को शिविर लगाएंगे। लोगों से अपील है कि इस बार जो सावन महीना आ रहा है, बड़ा पवित्र महीना, हम लोग जिस जगह पे हैं बाबा गरीबनाथ के नगरी में, हम लोग के लिए गर्व का बात है और हम लोग के लिए सेवा का मौका। हम लोग बाबा के दरबार में रह करके हम लोग सेवा करते हैं, इससे बड़ी खुशी हम लोग के लिए कोई नहीं हो सकता। और अपील है कि कृपया लोकल लोग जो आते हैं वो कंवरिया के समय में जल चढ़ाने नहीं आएंगे, उन लोग को तो यहीं रहना है। जो कंवरिया आते हैं उनका सही से जल चढ़े, इस पर फोकस लोकल लोग भी करें। इस बार उज्जैन के तर्ज पे शाही पालकी शोभा यात्रा रहेगा, और उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग का इस बार विशेष आकर्षण का केंद्र हो रहेगा, कि 12 ज्योतिर्लिंग का भी दृश्य दिखाया जाएगा। और कानपुर से भी झांकी रहेगा, यहाँ का भी झांकी रहेगा, लोकल भी झांकी रहेगा, और कानपुर से भी विशेष झांकी रहेगा जो यहाँ पे शाही पालकी शोभा यात्रा में सभी लोग रहेंगे। हाथी घोड़ा ये सब भी रहेंगे उसमें, विभिन्न प्रकार के देवी देवता का झांकी भी रहेगा। और उसके बाद उसमें हम लोग बृहद रूप से इस बार निकालेंगे, इस पूरे शहरवासियों को इस बार आमंत्रित करेंगे कि शोभा यात्रा में आप लोग शामिल हों। पूरा व्यवस्था क्या रहेगा? पूरा व्यवस्था रहेगा इस बार शाही पालकी शोभा यात्रा 9 जुलाई को रविवार को हम लोग निकाल रहे हैं महाकाल सेवा दल के द्वारा, और उसके बाद हम लोग बाबा के भक्तों की सेवा में उसी दिन से हम लोग लग जाते हैं। और दूसरी सोमवारी को शिविर, और सातवीं और आठवीं को शिविर लगा करके कमरिया भक्तों की सेवा करेंगे, और आठों सोमवारी बाबा गरीबनाथ के भक्तों की सेवा हम लोग मंदिर पे करेंगे। आकाश कुमार चौधरी, महाकाल सेवा दल अध्यक्ष। महाकाल सेवा दल में सदस्य हैं, उनको सामनी मास का कार्यक्रम का विस्तृत जानकारी देना है, क्योंकि 2 मास पड़ रहा है तो पता नहीं चल पा रहा है कि 8 सोमवारी हम लोग लगा रहे हैं शिविर या 4 सोमवारी लगा रहे हैं। तो वही सब कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही है, और सदस्यों से इस बार महाकाल की जो शाही पालकी निकलने वाली है उस पर समय विचार विमर्श और सदस्यों की सक्रियता, भागीदारी, जवाबदेही, जिम्मेवारी, सेवा, समर्पण, इन बिंदुओं पर विचार विमर्श होगी। रमेश रत्नाकर, संरक्षक, महाकाल सेवा दल।